त्योहार का मौसम है, ऐसे में कईयों को स्मार्टफोन पर सेल, ऑफर या छूट का इंतजार रहता है। इसीलिए हम उन लोगों के लिए ये स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जो आईफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी हाल ही में आईफोन 13 सीरीज को लॉन्च किया गया था। इसके आने के बाद पिछले जनरेशन की आईफोन्स की कीमत में कटौती की गई। आईफोन 12 सीरीज की कीमत में भी नए आईफोन के लॉन्च के बाद कटौती की गई, लेकिन अभी आईफोन 12 प्रो को काफी कम कीमत पर लेने का मौका है। इसे लॉन्च प्राइस से 24,000 रुपए कम में बेचा जा रहा है। आईफोन 12 प्रो को भारत में 1,19,900 रुपए में लॉन्च किया गया था। अभी इस फोन को कम कीमत पर बेचा जा रहा है। इस फोन को ई कॉमर्स साइट अमेजोन पर अभी 95,900 रुपए में बेचा जा रहा है, यानी ये कीमत इसके लॉन्च प्राइस से 24,000 रुपए कम है। ऐसे में अगर आप एक नया प्रीमियम स्मार्टफोन लेना चाहते हैं और आपका बजट लगभग 1,00,000 रुपए के करीब है तो आप इसे खरीद सकते हैं। iPhone 13 Pro को अभी 1,19,900 रुपए में बेचा जा रहा है, यानी iPhone 12 Pro कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपको 24,000 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। ऐसे में आईफोन 12 प्रो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। फ्लिपकार्ट पर चल रही सेल में आईफोन 12 मिनी की शुरुआती कीमत 42,099 रुपए रखी गई है। यह आईफोन भी फैंस के लिए काफी अच्छी डील है। नोकिया T20 टैबलेट को भारत में भी लॉन्च कर दिया गया है। नोकिया T20 में बड़ी स्क्रीन, बढ़िया डिजाइन के साथ स्टॉक एंड्रॉइड दिया गया है। इस टैबलेट को यूरोप में कुछ हफ्ते पहले लॉन्च किया गया था। अब दिवाली से पहले इसे भारत में भी पेश कर दिया गया है। नोकिया T20 टैबलेट की कीमत वाईफाई ओनली वर्जन के लिए 15,499 रुपए रखी गई है। इस वर्जन में 3GB रैम और 32GB स्टोरेज दिया गया है। इसके 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए आपको 16,499 रुपए खर्च करने होंगे। इसकी कीमत 18,499 रुपए रखी गई है। इस टैबलेट को केवल ब्लू कलर में उतारा गया है। इसकी सेल नोकिया के ऑनलाइन स्टोर फ्लिपकार्ट और ऑफलाइन स्टोर पर 2 नवंबर से शुरू हो रही है। इसके साथ फाइनेंस का भी ऑप्शन दिया गया है। नोकिया T20 के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें 10.4 इंच का 2K डिस्प्ले दिया गया है और इसमें यूनिसॉक 12NM टाइगर T610 चिपसेट दिया गया है। ये 3GB और 4GB रैम ऑप्शन के साथ आता है। साथ ही इसमें 64GB तक का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। टैबलेट में 8200mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। वीडियो कॉल के लिए इसके फ्रंट में 5MP का कैमरा दिया गया है। इसके रियर में 8MP का कैमरा दिया गया है। न्यूज़ तक ब्यूरो।